myself Alka and welcome to our excellence family. चलिए friend, start करते हैं हमारी class 11 BST की first video, जिस chapter का name है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य. अब देखो व्यवसाय क्या होता है, आपने जो subject लिया है 11th में commerce और इसमें आप जो व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हो, इसका simple सा meaning है friends कि business कितने types का होता है, उन्हें कैसे operate करते हैं और क्या उनके rules regulation होते हैं, ये सारी बात हमें इस बिजनेस स्टडीज में जाननी है. ठीक है, तो पहले जानो बिजनेस होता क्या है. देखो हम हमारी लाइफ में हमारे आसपास अनेकों लोगों को काम करते हुए देखते हैं. ठीक है, हम देखते हैं कोई व्यक्ति है ना, कोई मनुष्य किसी थैले पे फल या सब्जी बेच रहा है, कोई छोटी शॉप लगाकर बैठा है, कोई बड़ी शॉप लगाकर बैठा है, तो कोई कंपनी में है ना. तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार किसके काम को बिजनेस बोला जाए. ठीक है, तो सिंपल सा इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह थैले पे सामान बेचने वाला हो, चाहे छोटी शॉप का हो, बड़ी शॉप का हो या कोई कंपनी हो, अगर वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो वह होगा बिजनेस. प्रॉफिट के लिए किसी भी पर्सन का सेल्फ का अपनी कैपिटल से अपनी पूंजी से कोई काम करना बिजनेस कहलाता है. क्लियर. अब देखो प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, मतलब विशेषता. जैसे हर एक मनुष्य की विशेषता होती है कि उसका, अपन नहीं बोलते उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत बुद्धिमान है ना, ऐसे अपन बोलते हैं. तो उसी तरीके से बिजनेस की क्या विशेषता है कि बिजनेस को ऑपरेट कौन कर रहा है, एक मनुष्य. तो बिजनेस क्या हो गई, एक मानवीय क्रिया हो गई. सेकंड, बिजनेस किया ही क्यों जा रहा है, अरे लाभ प्राप्ति के लिए. तो दूसरी उसकी विशेषता हो गई लाभ प्राप्ति के लिए. फिर किन लोगों के बीच बिजनेस होता है, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच क्या होता है बिजनेस में, क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना, ये काम होता है बिजनेस के अंदर. लेकिन अगर आप क्या करते हो, जैसे किसी से कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु खरीद कर किसी को बिना पैसे में दे दी, जैसे अपन गिफ्ट देते हैं ना बर्थडे में, शादी में, ऐसे गिफ्ट देते हैं किसी को, तो वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस का एक ही मीनिंग है, किसी वस्तु को खरीदो और बेचो, बदले में अपना मुनाफा कमाओ. एंड लास्ट देखो इसमें उद्देश्य, उद्देश्य का मीनिंग होता है पर्पस. जैसे आज आपका भी तो कोई पर्पस होगा पढ़ने का, आप क्यों पढ़ रहे हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए. ठीक है, सेल्फ का बिजनेस करने के लिए या फिर किसी के यहाँ काम करने के लिए या काम देने के लिए, कुछ तो बनना आपका भी एम होगा ना. तो उसी तरीके से बिजनेस का उद्देश्य क्या है, समाज की सेवा करना, सरकार को क्या करना, सहयोग करना. कैसे सहयोग करेगी, बड़े पैमाने पर बिजनेस करके टैक्स पे करेगी, फिर टैक्स ही तो हमारी गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो फिर उनकी इनकम से देश में विकास के काम किए जाएंगे, है ना. तो ये हमारे चैप्टर का मीनिंग हो जाता है कि व्यवसाय की प्रकृति या उद्देश्य क्या होता है. अब फ्रेंड्स देखो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है जिसमें यहाँ लिखा है मानवीय क्रिया, फिर यहाँ लिखा है मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया. फिर देखो आर्थिक क्रिया को वापस से तीन भागों में बांटा गया, व्यवसाय, पेशा और रोजगार. तो इन सबका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो. जैसे हर एक मनुष्य बहुत सारे काम करता है, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, हमारे आसपास देखे तो कोई बच्चा खेल रहा है, मम्मी खाना बना रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहे हैं, काम हो रहे हैं. ठीक है, और ये सारे काम कौन कर रहा है, एक मानव कर रहा है, एक मनुष्य कर रहा है. तो वो सारे कार्य जो एक मनुष्य करता है, चाहे वो उसके टीवी देखने का हो, खाने बनाने का हो, पढ़ने का हो, लिखने का हो, पढ़ाने का हो, वो सारी मानवीय क्रिया होती है. अब फ्रेंड्स इसमें से कोई काम पैसे से जुड़ा हुआ है और कोई काम पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है. जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, आप मुझे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो, तो मतलब ये पैसे से जुड़ा हुआ है. इसलिए मानवीय क्रिया को दो भागों में बांट दिया गया कि जिस काम से किसी भी मनुष्य को पैसा मिलेगा तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, और वो काम जो मनुष्य पैसे के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपने मनोरंजन के लिए, है ना, सुख शांति के लिए, किसी की सहायता के लिए, है ना, सिंपैथी वगैरह अपन बोलते ना, तो उसके बेस पे करता है, तो वो क्या हो गई, अनार्थिक क्रिया. जैसे मम्मी अपन के लिए खाना बनाती है, ठीक है, तो उसका कोई पैसा लेती है क्या, नहीं लेती है. लेकिन मम्मी अगर कहीं खाना बनाने जाती है तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, और अपने लिए बनाएगी तो अनार्थिक क्रिया. मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
आप पैसा दे रहे हो, आर्थिक क्रिया, मैं घर पे अपने भाई बहनों को पढ़ाती हूँ, कोई पैसा नहीं लेती, अनार्थिक क्रिया। तो सेम एग्जांपल से आप आर्थिक और अनार्थिक क्रिया को समझ गए हो, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। अब अगला देखो, फिर आर्थिक क्रिया कि पैसा कमाने के लिए काम किया जा रहा है, तो किन कामों से आप पैसा कमा सकते हो? आप सेल्फ का बिजनेस करके कमा सकते हो। पेशा, विशिष्ट ज्ञान और योग्यता, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये क्या करते हैं? डिग्री के बेस पर, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बेस पे क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या एक डॉक्टर बिना डॉक्टर की पढ़ाई किए किसी का इलाज कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, लेकिन जब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेगा तब तो वो इलाज कर सकता है ना, तब तो उसे अनुभव होगा ना, तो वो क्या हो गया? पेशा। और रोजगार का मतलब होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमें पैसा चाहिए, तो क्या करें? किसी के यहाँ पर काम करने के लिए चले जाए, तो हम हमारी सर्विस देंगे, वो हमें क्या देगा? पैसा देगा, तो वो क्या हो गया? रोजगार। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो इनकी मैंने कुछ डेफिनेशन, इनके मैंने मीनिंग लिखे हैं, तो उसे देख लो, शायद उससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, मानवीय क्रिया के बारे में क्या लिखा मैंने, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी खुशी के लिए जो कोई भी क्रिया या कार्य करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। और हर एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति पैसा भी कमा रहा है तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिए। अगर कोई मंदिर में पूजा पाठ हवन करवा रहा है तो मानसिक सुख शांति के लिए कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है हर एक व्यक्ति का, तो वो सब क्या हो गई? मानवीय क्रिया, क्योंकि वो सारे काम करने वाला कौन है? एक मनुष्य, एक मानव। ठीक है, अब इनको दो भागों में बांटा गया है ना, तो पहला देखो, आर्थिक क्रिया क्या होती है? सिंपल सा है, जब व्यक्ति धन, धन मतलब क्या है? पैसा, पैसा प्राप्ति के लिए कार्य करता है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये डॉक्टर देखो, क्या ये ऐसे ही अपनी अपनी समाज की सेवा कर रहे हैं क्या? ये बदले में पैसा लेते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हो, क्या डॉक्टर आपसे फीस नहीं लेगा? लेगा ना, फ्री तो आपका इलाज करेगा, तो ये क्या हो गई? आर्थिक क्रिया। आप कहीं स्कूल में पढ़ने जाओ, कहीं कोचिंग पर पढ़ने जाओ, क्या फ्री में पढ़ोगे? आपको वहाँ पर क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गई? आर्थिक क्रिया। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाती है। अनार्थिक क्रिया का मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पर देखो, जब व्यक्ति अपने मनोरंजन या सेवा भावना या मानसिक शांति के लिए कार्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनार्थिक क्रिया। जैसे देखो, यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, अपने बच्चे को स्नेह करती है, तो उसे क्या बोला गया? अनार्थिक क्रिया। जैसे कोई अपनी सुख शांति के लिए हवन करवा रहा है मंदिर में, या कोई अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, तो वो सब क्या हो गई? अनार्थिक क्रिया हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहला डिफरेंस क्या दिया है इसमें? संबंध का। संबंध का मतलब होता है कि क्रिया, क्रिया मतलब क्या है? कार्य। तो कौन सा कार्य किससे जुड़ा हुआ है? तो देखो यहाँ पे आर्थिक क्रिया का संबंध किससे बताया गया? धन से बताया गया, क्योंकि धन से जुड़ा हुआ है, पैसे के लिए तो आर्थिक क्रिया की जा रही है। और अनार्थिक क्रिया का संबंध किससे बताया गया? प्रेम भावना, सेवा भावना, खुशी आदि से बताया गया, क्योंकि हम क्या करें, जैसे माता स्नेह कर रही है, हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, तो वो सारी क्या हो गई? अनार्थिक क्रिया। फिर देखो मापदंड। मापदंड का मतलब होता है फ्रेंड्स, हर एक चीज को मापने का मेजरमेंट होता है। आपको मालूम है, जैसे सड़क होती है उसको किस में मेजर करते हैं अपन? किलोमीटर में, बिल्कुल सही। लिक्विड चीज होती है उसको लीटर में, और कपड़ा होता है उसको मीटर में। तो क्यों ना आर्थिक क्रिया को भी मापने का एक मेजरमेंट होना चाहिए? तो मुझे बताओ, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो बदले में आपको क्या मिल रहा है? पैसा। बस यही इसका क्या हो जाएगा? मापदंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि आर्थिक क्रिया का मापदंड क्या है? मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा, मनी। और अनार्थिक क्रिया का मापदंड क्या है? मानसिक सुख शांति एवं खुशी। आप किसी की हेल्प करते हो तो उससे आपको क्या मिलती है? सुख शांति मिलती है। आप खेलते हो, उससे आपका क्या हुआ? माइंड फ्रेश हुआ, आपको खुशी मिली, तो ये क्या हो गई? अनार्थिक क्रिया का मापदंड। ठीक है, अब देखो वैधानिक। अब
पैसा कमाने के लिए आप जो काम कर रहे हो ना, वो सारे काम आपके कैसे होने चाहिए? वैधानिक होने चाहिए, मतलब लीगल होने चाहिए। पैसा तो हर एक काम से मिलता है, सट्टेबाजी से पैसा मिलता है, तो वो पैसा तो है लेकिन वो कैसा है? इलीगल, अवैधानिक तरीके से आपके पास पैसा आया है। जबकि आर्थिक क्रियाओं में वही पैसा शामिल होगा जो कि कानूनी रूप से किए गए कार्य से आपको प्राप्त हुआ, जैसे किसी शॉप से, किसी बिजनेस से, ठीक है। और अनार्थिक क्रिया कैसी? वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकती है, ठीक है। वैधानिक और अवैधानिक मतलब जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आप अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए कर रहे हो, बदले में पैसे तो ना ले रहे हो, तो वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकती है। फिर अगला देखो क्या लिखा है, क्षेत्र। हर एक काम को करने की कोई लिमिटेशन भी होती है ना, ठीक है, कोई टाइमिंग भी तो होता है। तो उस बेस पे आर्थिक और अनार्थिक क्रिया के क्षेत्र बताए गए हैं कि आर्थिक क्रिया का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो जैसे हम प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमारी कोई शॉप है या फिर हम कहीं पे पढ़ाने जाते हैं, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ा रही हूँ, तो मेरा क्षेत्र कैसा हो गया? सीमित हो गया, कि बस एक टाइमिंग फिक्स है, इसके बाद मुझे वो क्रिया नहीं करनी है। लेकिन अनार्थिक क्रिया का क्षेत्र कैसा होता है? असीमित होता है। आपने अभी किसी की हेल्प करी, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा कोई पर्सन मिल जाएगा, उसकी आप हेल्प करने लग जाओगे, तो वहाँ उस कार्य को करने की कोई लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला गया? अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र असीमित होता है। एंड अगला देखो इसमें क्या लिखा है, पुनरावृत्ति। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, दोहराना, कि किस क्रिया को दोहराया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रिया को दोहराया जाएगा, क्योंकि आर्थिक क्रिया से क्या मिल रहा है? पैसा। और जहां जिस व्यक्ति को पैसा मिलेगा, वहां उस कार्य को 10 बार करेगा, है ना। तो आर्थिक क्रिया क्या है फ्रेंड्स? बार बार की जाती है। जैसे पापा शॉप पर आज गए, कल गए, परसों जाए, डेली जाएंगे, क्योंकि घर पे पैसा लेके आना है और हमारी जरूरतों को पूरा करना है। या हम भी कोई जॉब करते हैं तो हम भी तो हमारी जॉब पर डेली जाते हैं ना, तो आर्थिक क्रिया क्या हो गई? बार बार की जाती है। और अनार्थिक क्रियाओं का बार बार होना आवश्यक नहीं है। आप किसी की हेल्प करो, बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार करो और भी अच्छी बात है, लेकिन बार बार करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड लास्ट देखो इसमें क्या लिखा है, प्रेरणा, मतलब इंस्पायर। कौन आपको मोटिवेट करता है? ऐसी क्या बातें हैं जिस वजह से आप पैसा कमा रहे हो, और ऐसी क्या बातें हैं जिस वजह से आप दूसरे की सहायता कर रहे हो? तो देखो, आर्थिक क्रिया आवश्यकताओं से प्रेरित होती है। एक व्यक्ति को पैसा क्यों चाहिए? आवश्यकता। और आवश्यकता के बारे में तो आप जानते हो कि आवश्यकताओं का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है। एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता उसके सामने आ जाती है। आज पापा ने साइकिल दिलाई, कल फ्रेंड के पास बाइक देखी तो बाइक की डिमांड कर ली, फिर कार की डिमांड कर ली, फिर एरोप्लेन की डिमांड कर ली। तो ऐसे तो हमारी डिमांड्स बढ़ती ही जाती है, तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना होगा। तो आर्थिक क्रिया समझ में आ गई, आवश्यकताओं से इंस्पायर होती है, आवश्यकताओं से प्रेरित होती है। और अनार्थिक क्रिया स्वप्रेरित होती है। किसी की हेल्प करने के लिए आपको कोई थोड़ा कहेगा, आपका मन का भाव होता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में सब समझ में आ गया होगा कि मानवीय क्रिया क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा या प्रत्येक मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य, चाहे वह पैसे से जुड़ा हुआ हो या पैसे से नहीं जुड़ा हुआ हो, मानवीय क्रिया कहेंगे। फिर व्यक्ति के जो काम पैसे से जुड़े हुए हैं आर्थिक क्रिया, और जो काम पैसे से नहीं जुड़े हुए हैं अनार्थिक क्रिया। और यहाँ पॉइंट्स को फिर से रिवाइज हम कर लेते हैं। क्या क्या लिखा है? संबंध, आर्थिक क्रिया धन से जुड़ा हुआ है, अनार्थिक क्रिया प्रेम भावना से जुड़ा हुआ है। मापदंड, आर्थिक क्रिया का मापदंड मुद्रा है, अनार्थिक का मानसिक सुख शांति। वैधानिक, पैसा कमाने वाला हर एक काम आपका वैधानिक, कानून द्वारा मान्यता प्रदान होना चाहिए। और अनार्थिक क्रिया वैधानिक अवैधानिक दोनों हो सकती है। क्षेत्र, आर्थिक क्रिया सीमित और अनार्थिक क्रिया का क्षेत्र असीमित होता है। पुनरावृत्ति, आर्थिक क्रिया बार बार की जाती है, अनार्थिक क्रियाओं का बार बार किया जाना आवश्यक नहीं है। और प्रेरणा, हमारी आवश्यकताएं हमें पैसा कमाने के लिए बाध्य करती है, और अनार्थिक क्रिया स्वप्रेरित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है, आपको कोई पॉइंट में डाउट लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।